वेलकम वेलकम टू सोशियोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है, प्रश्न पत्र यूपी पीजीटी समाजशास्त्र विषय है, हल प्रश्न पत्र 2009 का। ये देखिए थंबनेल पे आपके सामने है। और प्रैक्टिस सेट तीसरा, ये तीसरा लेक्चर है इस सेशन का, और इसमें 25 MCQ रहेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट MCQ। इसमें हम 51 से लेकर के 75 तक चलेंगे। 51, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली कौन सी विशेषता नहीं है ज्वाइंट फैमिली की? ए, बड़ा आकार। बी, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण। बी, परंपराओं पर आधारित संरचना। डी, सदस्यों में औपचारिक संबंध। कौन सी विशेषता नहीं है संयुक्त परिवार की? 51 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 4, सदस्यों में औपचारिक संबंध ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? ए, पिता को। बी, अध्यापक को। सी, चित्रकार को। और डी, अधिकारी को। किसको कहा जाएगा? 52 का आंसर बताएं, किसको कहा जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का आंसर 3, चित्रकार। ठीक है। और देखिए, किसी विशिष्ट समूह या सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों एवं अधिकारों में व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 53 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, समुदाय का वह लघुत्तम क्षेत्रीयवाद समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकृत कर सकता है। ये किसने कहा था? कूली साहब ने कहा था। बी, डेविस ने कहा था। और सी है, मैकाइवर ने कहा था। डी है, जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? 53 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा 53 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस, बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 आपके सामने, 54 है आपके सामने, और कूट लेखन दिया है, इधर देख लीजिए। पूछ रहा है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकारों से गुजरना पड़ता है? ए, अनुकूलन। बी, सामाजिक क्रिया। और सी, एकीकृत। डी, सामाजिकरण। और एफ, लक्ष्य प्राप्ति। जी, प्रारूप प्रतिरूप अनुरक्षण। इसमें से राइट आंसर पहचानना आपको, ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? एक बार आप पढ़ लीजिए पहले और फिर करेक्ट आंसर का जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अनुकूलन और एकीकरण आपका, और लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण, ये राइट आंसर है। ठीक है, पार्सन्स के अनुसार यानी कि प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण या आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। प्रतिमान को बनाए रखना तथा तनाव को दूर करना अनुकूलन उद्देश्यों की प्राप्ति है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 55 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें गलत कथन को पहचान करनी है। और एड में दिया है, प्रत्येक समिति की संस्था कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सी है, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित है। और डी, समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। 55 का आंसर बताएं क्या है, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर, समिति के संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन
56। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? ए बाहरी जाति, बी अनुसूचित जाति, सी आपका दलित जाति, डी है अछूत जाति। कौन सी जाति इस नाम से संबोधित किया था हट्टन साहब ने 1931 में जनगणना के अनुसार? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी जाति, ये राइट आंसर है। और एक बार पढ़ लेना आप नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर ये 57 है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 335 में और अनुच्छेद 338। कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है संविधान में अनुसूचित जाति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 स्क्रीन पर आपके सामने। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना था? जातिगत, शैक्षिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक आधार और जातिगत, शैक्षिक तथा राजनीतिक आधार और सांस्कृतिक आर्थिक तथा सामाजिक आधार, किसको आधार माना था? फटाफट आंसर बताएं 58 का। इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक आधार को। ठीक है, 1977 में पीवी मंडल की अध्यक्षता में माना था इसको। इसमें 27% पिछड़ी जातियों को सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करता है? और कौन से अधिकार में आता? 340A में, बी है 341 और सी है 342, डी आपका 365(4) में। किस में आता है 59 का आंसर बताएं, क्या होगा 59 का आंसर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 340A में के अंतर्गत आता है। इसमें यह उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति भारत के राज्यों क्षेत्रों के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए, उन कठिनाइयों को दूर कर रहे और उनकी दशा में सुधार के लिए और संघ राज्य के द्वारा उपाय किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन है, कौन सा सही है उसका चयन करना है। ए में है स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। बी सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। सी मुसलमान का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक संतानों को सबसे अधिक महत्व है। डी आपका जनजातियों में प्रतिसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। कौन सा आंसर राइट है 16 का आंसर बताएं, करेक्ट आंसर राइट बताएं, क्या होगा 16 का आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। ठीक है, इसको 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति स्वीकार करने के बाद से महिला शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आज के क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र अपना दिखा रही हैं, कुशल दिखा रही हैं और पुरुष स्त्री आज के बराबर हैं। आज के समय में जो महिला कर सकती है वो पुरुष कर सकते हैं, जो महिला भी कर सकती है। 61 आंसर आप प्रश्न नंबर पूछ रहा है। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिन प्रथा के रूप में वैश्यवृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है? रखेल परंपरा, देवांगना परंपरा और देवदासी परंपरा और आपका डी है नियोग परंपरा। इसका आंसर 61 का आंसर हो जाएगा आपका देवदासी परंपरा। ये देवदासी परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जो प्राचीन काल में भारत में कुछ क्षेत्रों में, ये देखिए आपके भारत के कुछ क्षेत्रों में खासकर दक्षिण भारत में महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वैश्यवृत्ति के दलदल में धकेला गया था। और इस देवदासी प्रथा की बात करें तो इसमें अंतर्गत जो खुला मंदिरों में जाते थे और पुजारी जो पंडित होते थे, तो पुजारी उसको द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, उसी को हम देवदासी हिंदू धर्म की प्राचीन
जो प्रथा थी उसको और परंपरा थी देवदासी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 स्क्रीन पर आपके सामने ये सूची है, इसको मिलान करना है, मैं देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो आई होप, चलिए मिलान कर लेते हैं एक बार और देखते हैं। दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है, तो आपका डी जाएगा सीधा, एक आ जाएगा 4। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है ये, बी आपका सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है, बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और मुंबई, तो मुंबई सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, क्षेत्र है, नगर है। और हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आप भी मिलान कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा, सही आंसर इधर दिया है सुमिलित। और नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पूछ रहा है, क्षेत्रवाद के क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है ए प्रांतीयता, बी अलगाववाद, सी समुदाय का विकास और डी आपका राष्ट्रवाद। 63 का आंसर बताएं, इसका राइट आंसर है सी, समुदाय का विकास, ठीक है। और 64 पर चलते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, पूछ रहा है विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है, ये है वर्ण व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता, गांव पंचायत और सामाजिक गतिशीलता, आसन व्यवस्था, पुरुषार्थ, सी आपका संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म, विश्वास, खुला स्तरीकरण, डी में आपका बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। 64 का आंसर बताएं क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, बंद स्थायीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, ठीक है। ये देखिए, पढ़ लेना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, समाजीकरण का तात्पर्य है, सोशलाइजेशन से क्या तात्पर्य है, ए में स्वसव अवस्था में युवा अवस्था तक वृद्धि की जा गई की प्रक्रिया है, बी आपका परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सी सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, डी है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। 65 का आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। और समाज सोशलाइजेशन एक ऐसा होता है जो जीवन से लेकर के मरणोपरांत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहता है, यानी कि जब किसी बालक का जन्म होता है और वह वृद्ध अवस्था तक जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66 पूछा, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम किसने दिया था, ए है एकल आयामी, बी द्वि आयामी और त्रिआयामी और डी में चतुर्थ आयामी, कौन सा निम्नलिखित है उपागम मैक्स वेबर का। 66 का आंसर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, तृतीय आयामी। और जहाँ मैक्स वेबर की बात करें तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो वे केवल आर्थिक कारणों को ही महत्वपूर्ण मानते थे, और वेबर साहब आर्थिक कारणों के साथ साथ सत्ता शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 67 आपके सामने, होकर सेनर जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है, ए सांस्कृतिक सिद्धांत, बी धार्मिक सिद्धांत, सी आपका राजनीतिक सिद्धांत और डी है व्यावसायिक सिद्धांत, किससे संबंधित है, कौन सा सिद्धांत से संबंधित है, फटाफट बताएं। 67 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 स्क्रीन पर आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है, ए अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 338 और डी आपका अनुच्छेद 335, किसमें प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी का आरक्षण, किस आर्टिकल में दिया गया है। 68 का आंसर बताएं। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 69, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिससे आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं, किसने कहा था, ए हॉबल ने, बी टॉलर ने,
सी आपका क्यूबर ने और डी आपका जॉनसन ने। किसने कहा था? 69 का आंसर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हॉवल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 स्क्रीन पर आपके सामने। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक की रचयिता कौन है? ये सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? इमाल दुर्किम की है, कि मार्टन की है, कि हर्बर्ट स्पेंसर की है, कि मैक्स वेबर की, किसकी है पुस्तक? और आई होप आप सभी लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिया है। ये आपकी 17 पुस्तक जाएगी हर्बर्ट स्पेंसर। और देखते हैं इनकी पुस्तक की बात करें तो ये 1862 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और उनकी सोशल स्टैटिक्स ये 1891 में प्रकाशित हुई थी। द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ये 1873 में प्रकाशित हुई थी। देखिए तीन पुस्तकें हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको। और शीर्ष देखना है को ज्ञात करने का सही क्रम क्या है, ये बी है, सी है, कि डी आपका, कौन सा क्रम सही है ये देखिए। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बी, सिर की चौड़ाई गुणा 100 बटे सिर की लंबाई, ये राइट आंसर है आपका, ये देखिए। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 पूछ रहा है, निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक संबंधी दक्षता नहीं बनती, यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए ग्लेन और गिलन, बी बीवर, सी आपका गोगार्ड और डी है मैकाइवर, माइकल कोलेंसकी, किसकी परिभाषा है? 72 का आंसर बताएं। और ये आपका माइकल कालेस्की को जाता है राइट आंसर, माइकल कालेस्की, इन्होंने निर्धनता का संबंध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछ रहा है, हिंदू धर्म के पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह हिंदूवाद ही नहीं जो जाति को इसकी अभिमतियाँ एवं प्रदान करती हैं जो पूरी व्यवस्था को उनका नैतिक अर्थ देती हैं। किसने कहा था? ए मैकाइवर एवं पेज, बी मजुमदार एवं मदान, और सी आपका रोनाल्ड सीगल का, और डी है बोटोमार, किसकी परिभाषा है, किसका कथन है ये? 73 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मजुमदार एवं मदान की है ये। ठीक है, ये देखिए इन्होंने कहा था हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को किसी अभिमतियाँ प्रदान करती हैं और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 मानव चक्र के रचयिता हैं, डॉक्टर भगवान दास हैं, कि श्री अरविंदो हैं, और सी आपका महात्मा गांधी हैं, डी आपका राधा कृष्ण हैं, कौन है मानव चक्र के रचयिता? ह्यूमन साइकोलॉजी, कौन से हैं? आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों ने राइट आंसर दिया है, आंसर श्री अरविंदो। इनकी पुस्तक भी है द ह्यूमन साइकिल, इन्होंने वैदिक युग में भारतीय इतिहास को प्रतीकात्मक युग और बाण को परंपरागत सामाजिक संस्था और जाति को परंपरागत सामाजिक रूप में बताया था इन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 75 सूची, इसको हमें मिलान करना है। ये देखिए क्रम कूटलेखन ये है और आपका सूची, चलिए सूची पहले मिलान कर लेते हैं, इसके बाद कूटलेखन को आंसर पढ़ते हैं। 75 का आपका जाएगा सावित्री, ये सावित्री की बात करें तो श्री अरविंदो, ये थर्ड पे जाएगा। और यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है यंग इंडिया, ये आपका महात्मा गांधी की है, तो बी का 4। और आपकी स्टेट एंड माइनॉरिटी ये आपका सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और डी करेगा तो डी का आपका भगवान दास जाएगा, इंसेंशियल यूनिट ऑफ रिलीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से बी राइट आंसर है। ठीक है, और ये देखिए सूची, ये देखिए मिलान दिया हुआ है, आप चाहें तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप याद भी कर सकते हैं। तो आई होप आज हमने देखा 2009 का ये थर्ड लेक्चर था, और इसके बाद हम 4 लेक्चर आपके लिए लेकर के आएंगे और 5th 2 लेक्चर और लेकर के आएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करके बताएँ इस चैनल के बारे में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।